हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स डीसी टेक्निकल हेयर। और आज हम लोग अपनी पल्सर 220 का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं। 34,000 किलोमीटर, 6 साल इसको हम लोग चला चुके हैं, तो आज हम इसको लॉन्ग टर्म बताते हैं। कई लोग पल्सर 220 नई भी खरीदना चाहते हैं, सेकेंड हैंड भी खरीदना चाहते हैं। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज में भी क्वेश्चन पूछे हैं कि आपको सेकेंड हैंड बाइक इतने में मिल रही है, उतने में मिल रही है, इतने किलोमीटर चली हुई है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये सेकेंड हैंड खरीदने में ज़्यादा रन कर गई हो तो खरीदने में, या फिर नई भी खरीद के ज़्यादा टाइम चलाने के लिए ये बाइक अच्छी है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके इंजन से। तो इसमें 20.4 PS की पावर है एंड 18.55 नैनोमीटर का टॉर्क है। आपकी 8500 RPM है फिफ्थ गियर पे एट मैक्स पावर ऑफ 20.4। एक चीज़ पल्सर 220 की जो इसको बाकी पल्सर से अलग बनाती है वो है इसका ऑयल कूलर। आप जब भी चलते हैं रास्ते में तो जो आपकी गाड़ी पे हवा पड़ती है उस हवा से ये हवा इस पे पड़ती है, ये जो रेडिएटर लगा हुआ है ऑयल कूलर। आपके इंजन से ये जो पाइप आ रही हैं ये आपका मोबिल ऑयल जो कि आपका इंजन ऑयल होता है वो लेके रेडिएटर में आती हैं। यहाँ पे रेडिएटर की हवा जो पड़ रही है उससे वो ठंडा हो जाता है और आपका ऑयल आपके इंजन में वापस आ जाता है। इससे क्या है कि आपका ऑयल ज़्यादा देर तक अपनी विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं मोटापा, चिकनाहट, ये दोनों चीज़ें विस्कोसिटी मेंटेन रख पाता है आपका ऑयल, जिसकी वजह से आपकी इंजन की लाइफ प्रोलॉन्ग रहती है। प्रोलॉन्ग मीन्स कि आपके इंजन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा टाइम तक आपका इंजन सही चलेगा, आपको क्लच प्लेट इंजन का काम करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी बाइक जो है ठंडे उस पर रन करेगी। ये क्यों दिया गया है इस बाइक में और बाकी पल्सर्स में क्यों नहीं है, उसका रीज़न सेम टू सेम ये है। मेन रीज़न इज दिस डैट कि पल्सर 220 का इंजन 220cc का है, बाकी पल्सर्स आपकी 125cc, पुराने वाली 135cc, 150cc, 180cc, जितना कम cc उतना कम हीट प्रोड्यूस होती है ऐसा माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि कुछ 150cc की बाइक्स पल्सर 150 से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, बट ठीक है, जैसा कंपनीज बोलती हैं वैसा हम आप मानते हैं। तो 220cc का इंजन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसमें कूलिंग आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है। और ज़्यादा कूलिंग रखनी पड़ेगी तो आपको कूलिंग के लिए कुछ न्यू मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, तो ये न्यू मैकेनिज्म के लिए इसमें आपका ऑयल कूलर लगाया गया था। अब जो नई बाइक्स आती हैं रेसिंग बाइक्स बेसिकली, जिनका पीस पावर और ज़्यादा होती है 20 के ऊपर, 21-25 तक जिनकी होती है, उनमें आप ऑयल कूलर भी देखते हैं। उसमें क्या होता है, आपके इंजन में एक ऊपर अलग से बॉडी लगी होती है जिसमें एक ऑयल कूलेंट ट्रैवल करता है, वो आके आपके रेडिएटर में आता है, कूलेंट ठंडा होता है, इंजन की गर्मी सोख के वो रेडिएटर में चला आता है और कूलेंट ठंडा हो जाता है और वापस से इंजन में चला जाता है इंजन की गर्मी सोखने के लिए। पल्सर 220 आपकी डबल डिस्क में आती है, इसमें पीछे एक डिस्क है, फ्रंट में भी एक डिस्क है। नई वाली पल्सर 220 में सिंगल चैनल ABS दे दिया था, हमारा 2016 का मॉडल है। नई वाली जो पल्सर 220 है आपकी, उसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी दे रखा है। इसमें आपकी ABS की डिस्क दोनों टायरों में होती है, बट आपका ABS सिर्फ काम करता है फ्रंट वाले में। और मैं सही बताऊँ तो ABS आपके फ्रंट वाले की ही ज़रूरत होती है ABS में, क्योंकि बेसिकली लोगों से होता क्या है, जल्दी के इमरजेंसी के सिचुएशन में लोग आगे वाली ब्रेक एकदम से दबा देते हैं और पलट के या फिर फिसल के गिर जाते हैं। तो आपका ABS क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इससे होता क्या है, आपने पैनिकली ब्रेक कर दिया, तेज़ी से ब्रेक दबा दिया, तो ये सिस्टम आपके डिस्क को लॉक नहीं होने देता, मतलब आपका टायर लॉक नहीं होगा। जैसे ही आपका टायर लॉक होने वाला होगा, रुकने वाला होगा, ये तुरंत आपका ब्रेक हल्का सा छोड़ना पकड़ना शुरू कर देगा, जिससे कि आपका टायर जो है वो रुके ना एकदम से और स्लिप ना करे गाड़ी, आपका टायर धीरे धीरे होके रुके। इससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हम गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे, गाड़ी आपकी और ज़्यादा अच्छी रुकेगी इससे जब टायर स्लिप नहीं होगा, और जल्दी रुक जाती है। ऐसे एक बार हुआ था, हमारी पल्सर 220 और RS 200 हम लोगों ने रेस कर रहे थे और वो जल्दी से रुक गई और पीछे से आके उसी में लड़ गई थी। ये हमारे भाई साहब चला रहे थे उस गाड़ी को, ये आके पीछे से लड़ गए थे। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसीलिए फ़ायदेमंद होता है कि आपकी गाड़ी जो है स्लिप नहीं करेगी और वो एकदम परफेक्टली सीधी रोड पर रुकेगी। पल्सर 220 का जो चेन सिस्टम है, ये आपका ओपन चेन सिस्टम आता है, इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इसको आप ल्यूब करते रहें। जैसे आप हमारे में भी देख सकते हैं कि हमने ल्यूब्रिकेंट आराम से अच्छे से लगा रखा है, एकदम ब्लैक चेन दिख रही है आपकी चेन, ये वाइट नहीं दिखनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ज़रा भी वाइटिश हो रही है डैट मीन्स
ये आपके ल्यूब की कमी है। ल्यूब की कमी होगी तो आपकी चेन जल्दी घिस जाएगी, आपके स्पेन स्प्रॉकेट जो होते हैं स्प्रॉकेट जल्दी घिस जाएंगे और आपकी चेन स्प्रॉकेट की लाइफ कम हो जाएगी। पल्सर 220 में आपके यहाँ पे एक ऑयल इंडिकेटर दे रखा होता है। गाड़ी मैंने थोड़ी टेढ़ी कर रखी है दिखाने के लिए आपकी ऑयल भर जाए। ये देखिए ऑयल इंडिकेटर दे रखा है। ये ऑयल इंडिकेटर आपका हमेशा इसके आसपास रहना चाहिए। ये गाड़ी हम लोग की थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इसलिए बहुत ऊपर चला गया, वरना ऑयल आपका हमेशा जो है हल्का सा ऊपर से खाली रहना चाहिए। ये जो दो आपके मार्क बने होते हैं इस मार्क के ऊपर आपका तेल होना चाहिए, और जैसे ही इस मार्क के आसपास आने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको टॉपअप करने की जरूरत है। टॉपअप कंपनी कहती है, मेरे हिसाब से तो आप लोग टॉपअप ना करें, मैं टॉपअप रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ। आप हमेशा मोबिल ऑयल को चेंज कराया करें, हमेशा मोबिल ऑयल अपनी आप न्यू डलाया करें। न्यू मोबिल ऑयल से आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो टॉपअप में आपको कभी नहीं मिलेगी। अब मैं इसके आपके हॉर्न के साउंड सुनाता हूँ। मैंने कभी भी इसके हॉर्न चेंज नहीं कराया, मैंने खाली सिर्फ गाड़ी में ये अलग से फाइबर लगवाया है, मैंने कभी हॉर्न चेंज नहीं कराए हैं। देखिए 34,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसके हॉर्न में कोई आवाज़ में चेंज आया है कि नहीं, कुछ वीक हुई है कि नहीं, इसके साउंड में कोई चेंज नहीं आया है, एकदम परफेक्ट साउंड है। अब मैं आपको गाड़ी का इंजन की साउंड सुनाता हूँ कि इंजन की साउंड में कोई ज़्यादा चेंज आया है कि नहीं। इंजन स्टार्ट करिए। आइए इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 34,000 किलोमीटर चलने के बाद भी पल्सर की साउंड में कोई चेंज नहीं आया है। कुछ पल्सर आपने देखी होंगी कि उनकी साउंड बहुत खटारे टाइप की आने लगती है। ऐसा होता है, क्यों होता है? जब लोग अपनी बाइक को मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी स्प्लेंडर भी राजदूत की तरह बजने लग जाएगी। तो आपको बाइक को मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने का मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको अपने मोबिल ऑयल, स्पार्क प्लग, इंजन हेड, ऑयल लीकेज, ये सब कुछ चेक करना है कि ये ना हो रहा हो। यदि इसमें से कुछ भी हो रहा है तो सिंपल सी बात, आपकी इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। अब आप खुद ही जज कर लीजिए, आपके शरीर से खून निकल रहा है और आप खून निकलने देते एक दिन आपका खून सब निकल जाएगा और आप ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही आपको बाइक्स में भी ध्यान रखना होता है कि सब कुछ परफेक्ट रहे। तीन चीज़ों का मेन ख्याल रखना है आपको। सबसे पहला कि आपका जो इंजन ऑयल है वो आप कितना चला चुके हैं, और वहाँ पे आपको देख के ध्यान रखना है कि उसमें इंजन ऑयल है कि नहीं। इंजन ऑयल मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ? मैं रिकमेंड करता हूँ मोटुल का 7100 20W50 ऑयल। मैंने इसमें कई ऑयल चेक किए, सर्वो का चेक किया, कैस्ट्रॉल का। अब मैं आपको बताऊँ, सर्वो और कैस्ट्रॉल ये दो ऑयल सबसे बकवास ऑयल जो मुझे लगे वो यही दोनों ऑयल लगे, एक सर्वो दूसरा कैस्ट्रॉल। सबसे बेस्ट ऑयल जो मुझे इसके लिए लगा वो मोटुल का लगा 7100 20W50। जो आपका बजाज का ऑयल आता है वो भी अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलता है, उसको आपको 2,500 किलोमीटर पे चेंज कराने की जरूरत पड़ जाती है। मोटुल का ऑयल आराम से 5,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर तक भी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं बहुत इजीली, और उससे बाइक इतनी स्मूथ चलती है कि आपको एकदम चलाते ही फील आ जाएगा 100 किलोमीटर में कि भाई ये बाइक बदल गई। आपको लगेगा कि इंजन किसी से चेंज हो गया आपका, इतना परफेक्ट उसका आपको फील आता है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस बाइक को थोड़ा सा चला के दिखाते हैं कि इस बाइक में हमको चलाने में कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं लग रही है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा चला के दिखाते हैं। जोश में आके होश मत खोइए, गाड़ी हमेशा आराम चलाइए। पहले मैं धीरे चला के इसको आपकी बातें बता दूँ। मुझे इस बाइक में प्रॉब्लम क्या आई मैं बताता हूँ। अच्छाई तो मैंने बहुत कर ली, प्रॉब्लम बताता हूँ। इस बाइक में मुझे एक प्रॉब्लम ऐसी है जो किसी को भी आ सकती है। हुआ क्या था, बाइक मैंने गड्ढे में बहुत तेज घुमा दी थी, उसके ऐसे फ्रंट जो आपके सॉकेट होते हैं उसका एक का ऑयल लीक हो गया था। तो उसमें आपका 200 रुपये का खर्चा आया, सॉकेट खोल के न्यू ऑयल डाल के नई सील डल गई और बंद हो गया 200 रुपये का। एक मुझे प्रॉब्लम जो बार बार आती थी, मैंने पुरानी वीडियोज में भी इसको काउंटर कर रखा है, कि इसका इंजन हेड में एक रबर लगी होती थी, वो सील हमेशा खुल जाती। बाद में मैंने थोड़ा सा चेक किया, मुझे पता लगा कि वो क्यों हो रहा है। वो होता क्या था कि मैं मोबिल ऑयल ज़्यादा डाल देता था। इसमें आपका मोबिल ऑयल 1.15 लीटर डालना होता है, ना कि 1.2 लीटर। आप अगर पूछेंगे ना कंपनी में भी तो भी 1.2 बोलते रहते हैं वो लोग। 1.2 नहीं डलता है इसमें, 1.15 मतलब 50 ml वो ऑयल जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपके इंजन हेड में एक रबर लगी होती है, जो कि अब नई गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लगाई जाती है बिकॉज़ अगर आपके बाइक में
ऑयल ज़्यादा हो जा रहा है तो प्रेशर बन के आपका इंजन हेड में वो ना चला जाए। देखिए हर ऑयल इन्फ्लेमेबल होता है, इन्फ्लेमेबल मीन्स जलने वाला हर ऑयल होता है, तो उसमें आग ना लग जाए। इंजन हेड में जाएगा वहाँ पे स्पार्क होता रहता है, आग लग जाएगा आपका इंजन ब्लास्ट होने का भी चांस रहता है, उसमें इंजन में आग लगने का चांस भी होता है। तो यही सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए अब बगल में आपकी एक सेफ्टी वॉल्व दिया जाता है, अगर आपका ऑयल ज़्यादा रहेगा तो वहाँ से लीक कर जाएगा। तो वो इसीलिए लीक कर जाता था क्योंकि हम लोग का ऑयल 50 ml ज़्यादा हो जाता था कभी कभी। तो मान लीजिए आप कौन नाप के डालता है, कभी आपने 1300 ml डाल दिया, कभी 1280 ml डल गया, तो 80 ml 100 ml ज़्यादा होने की वजह से वो फट जाता था। आपको याद रखना है 1.15 लीटर, दैट इज़ 1 लीटर और 150 ml आपका ऑयल डलना है, 200 ml नहीं डलना है, 1.15 लीटर आपका ऑयल डलना है। वीडियो में वॉइस ओवर करने की वजह यह है क्योंकि बहुत हवा चल रही थी और आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए हमको ऊपर से आवाज़ डालनी पड़ी है वीडियो में। आइए अब इस रोड पे आपको थोड़ा सा पिकअप दिखा दें कि इसके पिकअप में क्या चेंज आया है। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं ये 3-4 सेकंड में ही, 4-5 सेकंड, 5 सेकंड आप मान लीजिए में ही ईजिली 78 मतलब अराउंड 80 पहुंच गई है। तो अभी तक इसके पिकअप में 34,000 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई अंतर नहीं आया है। जैसा कि आपने देखा 34,000 किलोमीटर होने के बाद भी ये गाड़ी का पिकअप एकदम परफेक्ट आया, एकदम परफेक्टली चली है। अब अगर आप गाड़ी देख के ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि गाड़ी की लाइफ इतनी अच्छी कैसे, इतनी प्रोलॉन्ग कैसी है, तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ है मेंटेनेंस। 3-4 चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। चेन पॉकेट अच्छे से टाइट हो, चेन बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा ढीली ना हो। ऑयल लुब्रिकेशन अच्छे से हो चेन में। आपके स्पार्क प्लग आपको हर 5,000 किलोमीटर पर जब आप सर्विस कराते हैं तो आपको क्लीन रखने हैं। मोबिल ऑयल हो सके, इंजन ऑयल हो सके तो सिर्फ मोटुल 7100 का 20W50 यूज़ करें। रिपीट कर देता हूँ फिर से मैं, 7100 20W50 मोटिल ऑयल यूज़ करें सिर्फ। ये फुल्ली सिंथेटिक लुब्रिकेंट होता है, आपको डालते ही बाइक में आपको इंजन साउंड, वाइब्रेशन, पिकअप, हर चीज़ में अंतर आपको दिखाई पड़ेगा खुद ही। बहुत ही परफेक्ट ऑयल है ये, आपको मेंटेनेंस पे ध्यान रखना है। मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं रखेंगे बाइक आपकी कबाड़ा हो जाएगी। क्या क्या ध्यान रखना है, स्पार्क प्लग साफ रखने हैं, इंजन ऑयल आपको अच्छा डलवाना है, मोटल 7100 मैं रिकमेंड करता हूँ, और आपको चेन पॉकेट पे अपना ध्यान रखना है। कोई गाड़ी का पार्ट वार्ट ढीला हो गया है तो उस पर भी ध्यान रखें कि पार्ट वार्ट आप सही से टाइमली फिक्स कराते रहें, सब कुछ आप सही से रखें तो एकदम परफेक्ट आपकी बाइक चलेगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, बात जो है कि इसको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। सेकंड हैंड आपको मिल रही हो, फर्स्ट हैंड आपको मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, ख़रीदना है नहीं ख़रीदना है, बिल्कुल ख़रीदिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, इंजन मेंटेनेंस पे आपको ध्यान रखना है। अगर इंजन मेंटेन नहीं है गाड़ी की नॉइज़ बढ़ जाएगी, एवरेज गिर जाएगा। अगर आप सेकंड हैंड ख़रीद रहे हैं ये बाइक, ध्यान दें फिर से, अगर आप सेकंड हैंड ये बाइक ख़रीद रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, इंजन नॉइज़। इंजन स्टार्ट करके पहले तो आप चेक करें कि इंजन की आवाज़ कैसी आ रही है, ओनर से ये कंफर्म कर लें कि वो ऑयल कौन सा यूज़ करता था, कब कितने किलोमीटर पर चलाता था, कितने किलोमीटर पर उसने सर्विस कराई है गाड़ी। अगर वो उसने बजाज का ऑयल यूज़ किया है या फिर अगर उसने ऐसे कोई नॉर्मल भी ऑयल यूज़ किया है, 2000-2500 में सर्विस करा ली तब तो ठीक है, मोटुल का ऑयल यूज़ करने पर आप इसको आराम से सर्विस कराइए 5000 किलोमीटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद 5000 रुपये कराता हूँ क्योंकि मैं मोटुल का ऑयल यूज़ करता हूँ। मोटुल का ऑयल इज़ द परफेक्ट ऑयल, बेस्ट ऑयल फॉर दिस बाइक। एवरेज भी आपका बढ़ जाता है, इंजन साउंड भी आपकी कम हो जाती है, लाइफ तो प्रोलॉन्ग्ड है वो तो मुझे दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, चलिए अब आगे कुछ बात करते हैं। तो इसी के साथ आते हैं वीडियो के एंड में। जैसे मैंने आपको बताया, ख़रीदना है बाइक बिल्कुल ख़रीदिए, ध्यान रखिए मीटर पे कुछ लाइट्स हैं इसकी। आपकी एक लाइट होती है इंजन ऑयल प्रेशर की, दूसरी लाइट होती है आपकी एयर फिल्टर चोक की, तीसरी लाइट होती है आपकी इंजन ओवरहीट की। सेकेंड हैंड ख़रीद रहे हैं बाइक, ये चीज़ ध्यान रखें आप बाइक चलाएं। ये जो ऊपर की दो लाइट्स हैं ये बार बार टर्न ऑन ना हो रही हो, सबसे खासकर ऊपर वाली। अगर ये बाइक थोड़ी सी ही बाइक चलाने में ये टर्न ऑन हो जा रही है, इसका मतलब बाइक के इंजन में प्रॉब्लम है, इंजन ओवरहीट कर रहा है। ये लाइट अभी क्यों जल रही है, जब इंजन ऑफ रहता है तो ये लाइट जलती रहती है। आइए मैं आपको दिखा दूँ एक बार, इंजन ऑन करते ही ये लाइट्स बंद हो जाती हैं। देखिए
अभी ये लाइट जल रही है, इंजन स्टार्ट किया तो ये लाइट बंद हो गई, और इंजन ऑफ करते ही ये लाइट फिर से आने चाहेंगे। आपको देख रहे हैं कि आप इंजन जब ऑन कर रहे हैं तो ये लाइट्स ना आ रही हैं। सेकंड हैंड लेना है कि नहीं, मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है। इंजन ऑयल पर ध्यान रखें, इंजन साउंड पर ध्यान रखें, एवरेज कितना दे रही है, चला के देखें कम्फर्टेबल है कि नहीं है, तब ही खरीदें। इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड में। तो पल्सर 220 का था ये रिव्यू, हमारी बाकी वीडियोस भी देखिएगा। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही डाली है अपने स्कूटी की वीडियोस, अगर आप स्कूटी में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी देख सकते हैं। विक्रांत की वीडियोस भी हम लोग पहले डाल चुके हैं। ये बाइक अब आना बंद हो गई है, तो सेकंड हैंड ही मिलती है, और सेकंड हैंड भी मैं इसको प्रेफर इतना नहीं करता इस बाइक को मैं। तो अगर आपको पल्सर 220 खरीदनी है, हमारा ये वीडियो पूरा देखें, सही से देखें और फिर फैसला लें। नमस्कार, जय हिंद। इट्स डीसी टेक्निकल लॉगिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड गिव्स अ थम्स अप। कमेंट में आप अपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कुछ भी हो कमेंट में पुट करें, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।